मैं ऐसा मानता हूँ कि जब से आज़ादी आई तब से और अब 75 सालों के बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव की जब उजवनी हो रही है, देश के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज़ादी का अमृत महोत्सव सारे देश में मनाने का बोला है। और इसी तरह गुजरात में जब नरेंद्र जी ने जो गुजरात में मुख्यमंत्री पद का पद ग्रहण करने के बाद जो उनका डेवलपमेंट हुआ है, वैसे देश में 8 साल, गुजरात में 20 साल, और 20 साल का विकास और विश्वास जन जन में है। क्योंकि मैं तो वैसे मानता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर देखा है, मैं जब यहाँ पर पढ़ता था तो मेरे थराद और वाव 2 तहसीलें मेरी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में थी, थराद के 135 विलेज और वाव के 256 विलेज के बीच में अप टू 1963 ओनली वन ही सेकेंडरी स्कूल थी। सारे राज्य में 19 डिस्ट्रिक्ट थे, 19 डिस्ट्रिक्ट में हमारा लास्ट क्रम एजुकेशन के बारे में था। नरेंद्र भाई ने आने के बारे में बाद में उन्होंने जो शिक्षण के क्षेत्र में जो ज्ञान यज्ञ की शुरुआत की, हर एक बच्चे 100% उनका नामांकन हो इसलिए साढ़ा प्रोफेसर कन्या करने की शुरुआत की, और ये शुरुआत करने की वजह से हर जगह जो हम पिछड़े हुए एजुकेशन में थे वो दूसरे जिले के अब 33 डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बराबरी में हम आने लगे। एक भी गुजरात का बच्चा शिक्षण के वंचित न रहे, 100% उनका नामांकन हो जाए, इसीलिए गुजरात का मुख्यमंत्री से लेकर गुजरात का सारा मंत्रिमंडल, उच्च अधिकारी, पदाधिकारी, MLA, MP सभी ही हर जगह हर गांव में, राज्य के 18,000 गाँव और 32,000 से ज़्यादा स्कूल में जाकर बेटे बेटियों को प्रवेश करवाने का काम शुरू किया, तब से हमारे दूसरे जिले की बराबरी में हम आने लगे।